कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं सेफ हैं सुरक्षित हैं और मैंने आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग हो गई है मॉर्निंग को हम लोग बना रहे हैं खाना यानी मैं बना रही हूँ मम्मी के। तो इसकी थोड़ी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ ये बनती है प्याज के पत्ते की प्याज के पत्ते में सबसे पहले मैंने चावल का आटा मिलाया है और टमाटर नमक मिर्च जो भी इंग्रीडियंट्स है सब मिला लिए हैं ये एक्चुअली भीगा मम्मी रही है तो सब्जी के लिए सबसे पहले हम इसे का बैटर बना के रख लेंगे अच्छी तरह से इसे भिगा के उसके बाद में हम सब्ज़ी फ्राई करेंगे यानी सब्जी हम जैसे फ्राई करते हैं ना नमक सॉरी प्याज लहसुन मिर्च वगैरह डाल के वैसे ही हमें नॉर्मल वे से फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद में इसमें टमाटर वगैरह सारी चीज़ें जितने इंग्रेडिएंट्स है सब अच्छे से डाल देना है और उसके बाद में तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दी है टमाटर सारी चीज़ें थोड़ी सी पकने के बाद में तेल में ब्राउन होने के बाद में टमाटर डाल दिए टमाटर डालने के बाद में नमक मिर्च और जो भी मसाला हम यूज़ करेंगे सब्जी में वो हम डाल देंगे और ये सब डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है सब्जी में जो भी फ्राई है आ, किया है आपने उसमें अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में आप डालेंगे इसमें पानी इसके पहले इसको थोड़ी देर अच्छे से पकने दें भाप में और पक जाए उसके बाद में आप इसमें पानी डालेंगे और जो पानी है वो आपको बैटर के हिसाब से डालना है बैटर आ, अगर आपका ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से डालना है मैंने यहाँ से यहाँ पर दो से तीन गिलास पानी डाला था और यहाँ पर पानी डालने के बाद में हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे पूरा उबल जाए पानी भाप में और अच्छे से गर्म हो जाए तब तक कि हम इसे पकने देंगे उसके बाद में जो बैटर है उसका हम यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मिक्स होने के बाद में यहाँ पर ये पक भी गया है ऑलमोस्ट ये देखिए और पकने के बाद में यहाँ पर ये जो बैटर है बैटर के छोटे छोटे से गोले बनाकर मैं अभी सब्जी में डालूँगी सब्जी में जो पानी है इतना सारा उसमें डालूँगी तो जो पानी है वो भी गाढ़ा हो जाएगा ये देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी अच्छी ठीक हो जाएगी और इसमें मैं डालती जाऊँगी ये जो बैटर है इसके छोटे छोटे गोले बना के डालती जाऊँगी ये देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को डालना है और इसमें जितने भी जितना भी बैटर है उतने पूरे गोले डाल देना है उसके बाद में आपकी सब्जी एंड फ्रेंड्स आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने ये सब्जी कभी देखी होगी तो आई होप आप लोगों को ये सब्जी पसंद आएगी इसकी रेसिपी पसंद आएगी यहाँ पर मुठिया की जो सब्जी है वो बन रेडी हो गई है और संभार वगैरह डालने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगती है बहुत स्पाइसी बनी थी बहुत अच्छी लगी थी आज की सब्जी और 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 ये देखिए है पार्सल जो अमेज़ोन से मंगवाया है मैंने तो पार्सल तो आपको दिख ही रहा है बॉक्स है इससे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने क्योंकि मैं शेयर करना चाहती थी जो मैंने मंगवाया है मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में सोचा कि मैं आपको शेयर करूँ ताकि जिसको भी इस इसकी ज़रूरत है वो ले सकता है ये तो देखिए छोटा सा हैमर भी दिया हुआ है इसके साथ में और ये सारी जो प्लेट्स दिख रही हैं आपको ये प्लास्टिक की जो फाइबर प्लास्टिक टाइप का होता है मोटा वाला वो प्लास्टिक है और देखिए यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ छोटे छोटे गुटके टाइप के दिए हुए हैं इसमें जिसे हमें जॉइंट जिससे हमें जॉइंट करना है और उसे जॉइंट करके बनाना है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ और ये देखिए ये वॉड्रॉप हो गया है तैयार ऑलमोस्ट तैयार हो गया है मैं मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ में बना रही थी तो कुछ इस तरह से है पूरा बनने के बाद में काफ़ी सुंदर दिखता है और बहुत अच्छा है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है ये आ, आप लोग अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं मैंने स्पेशली ये कुहू के लिए मंगवाया है क्योंकि जो कुहू के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे धीरे धीरे तो उसके लिए मैंने मंगवाया है क्योंकि कुहू के कपड़े ऑब्वियसली लाइट वेटेड हैं ज़्यादा हैवी नहीं रहेंगे इसलिए ये ज़्यादा हैवी चीज़ें कैरी नहीं कर सकता है एकदम ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत हीवी कैरी कर सकता है तो होल्ड कर सकता है तो आप लोग इसे मंगवा सकते हैं अगर आप लोगों को नीड है तो बट काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज़ मैंने आ, मंगवाया है तो मुझे लगा कि अच्छा है और ये देखिए ये पूरा सेट हो गया है और जॉइन कर लिया हमने और सेट करने के बाद में हैमर से मैं थोड़ा थोड़ा सा सबको टाइट कर दे रही थी जो आ, स्क्रू जैसे प्लास्टिक के थे वो और मेरी कुहू यहाँ पर देखिए खेल रही थी उसे बड़ा मज़ा आ रहा था जब हम लोग फिट कर रहे थे इसे तो वो अंदर बाहर हो रही थी और खेल रही थी बहुत मज़ा आ रहा था तो जब हमने भी इसका मज़ा लिया तो हाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ इस वॉड्रॉप को आप कैसे सेट कर सकते हैं ये एक बुक आई है इसके साथ में उस पर पूरा इंस्ट्रक्ट किया हुआ है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप वो इंस्ट्रक्शन रीड करके पूरी वॉड्रॉप को सेट कर सकते हैं बहुत ईजी जाएगा आप लोगों को वॉड्रॉप इसलिए ज़्यादा पसंद है ना क्योंकि कम बजट में मुझे अच्छा वॉड्रॉप मिल गया जिसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगती है और ढाई हज़ार का हुआ ही है ये ढाई हजार का तो कोई वॉड्रॉप नहीं आता आप भी जानते हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आया है ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टू ब्लॉक्स का है ज़्यादा स्पेस भी इसमें नहीं लगा हुआ है और बहुत प्यारा लुक आ रहा है ये देखिए इसके बाद में दोपहर में हम लोग जब खाली थे तो हमारी मस्ती मम्मी और मैं और खूहू की साइकिल में हम कैसे खेल रहे थे छोटी सी साइकिल और चाचू के साथ की मस्ती देखिए मेरी खूह की हाथ पीछे करके चलना सीखी है अभी कुछ नया नया सा करती है हर थोड़े दिन के बाद में नई नई हरकतें सीखती हैं बच्चे होते हैं ना हर चीज़ नई नई करते हैं और उसके बाद देखिए उसके चाचू कैसे बीन बैग पे लिटा के उसे घुमा रहे थे और घुमाने के बाद में उसके एक्सप्रेशन देख रहे थे हम लोग कि उसे चक्कर तो नहीं आ रहा और उसके एक्सप्रेशन इतने अजीब होते थे और हम लोग डर जा रहे थे बट स्टिल तो वो बीन बैग पर चली जा रही थी कि मुझे और फिर से घुमाओ करके देखिए ही देखिए इसके बाद हम लोग हो रहे हैं रेडी और रेडी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें जाना है फंक्शन में एक नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन है वहाँ हमें जाना है तो कुहू को मैं जस्ट स्वेटर वेयर करवा रही हूँ क्योंकि घर के पास में ही है घर के जस्ट अपोजिट में ही है तो इसीलिए मैं कुहू को ज़्यादा कुछ वेयर नहीं करवाऊँगी सिंपल सा ही रेडी कर रही हूँ और मैं भी सिंपल से ही रेडी हुई हूँ और खाना वाना है वहाँ पर तो बस इसलिए हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ पर इसलिए रेडी हुई हूँ मैं तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और आ आगे मेरी सिस्टर इन लो आ, साथ में जाने के लिए जो मेरी ननंद है वो आ गई है बच्चों को रेडी करना इतना डिफ़िकल्ट होता है ना सीरियसली मतलब एक जगह शांति से कभी बैठेंगे नहीं और कभी अच्छे से रेडी नहीं होने देंगे घूमते फिरते पूरे घर में नचाते हुए रेडी होंगे और करवाएंगे देखिए चली गई बाहर में कुहू को घूमने का इतना शौक है मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जब कहीं घूमने जाना होता है बाहर जाना होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बड़ी घुमक्कड़ है वो और ये देखिए मैं अपने घर के ही गैलरी से आप लोगों को दिखा रही हूँ कहाँ पर है फंक्शन मम्मी और बड़ी मम्मी तो निकल गई जाने के लिए और क्योंकि ठंड का मौसम था तो मम्मी बढ़िया ओढ़वाड़ के निकली हैं अच्छे से शॉल को और सामने में अपोजिट में ही फंक्शन था तो मैंने आप लोगों को दिखाया पास में ही है इसलिए और अब मैं भी जा रही हूँ कौन है कोई श्रद्धा और यहाँ पर डीजे बज रहा था इसलिए कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था मैं जो भी बोल रही थी इसलिए तो बस रेडी हो गई हूँ मैं और फिर चलते हैं देखते हैं कैसा है फंक्शन प्रोग्राम जो भी है, ये हमारी चिकन खाने वाली है। ये हमारी बुढ़गी मेरी मम्मी की लोग, बड़ी मम्मी बुढ़गी माए अमरी हो गए बुढ़गी हुई ना तो क्या दादू नतरी की हुई फिर हां पूरे गांव भर तो गांव गया तो एमपी में कूगांगी कूगू सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पूरा आप लोगों ने देखा मेरे ब्लॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप लोगों को सबसे अच्छी बात यह लगी होगी कि अमेज़ॉन से जो वॉर मैंने मंगवाया है वो आप लोगों को कैसा लगा इनफैक्ट उसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है जो फाइबर का प्लास्टिक होता है थोड़ा थिक वाला थोड़ा बड़ा मोटा वाला वो प्लास्टिक है उसमें तो अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है क्वालिटी भी बहुत अच्छी है लाइट वेट सामान आप अच्छे से इजीली रख सकते हैं और थोड़ा हैवी भी वो कैरी कर लेता है अच्छा है आप रख सकते हैं तो मैंने वो मंगवाया है और आज मॉर्निंग का भी मैंने आपको दिखाया शेड्यूल मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी हमारे यहाँ उसे मुठिया या डुबक बड़ी ऐसी वाली सब्ज़ी बोलते हैं जो प्याज के पत्ते की बनती है स्पेशली वो कैसी लगी आप लोगों को आ, उसकी रेसिपी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स तो ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था बट बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी अच्छी थी इस ब्लॉग में मे भी आप लोगों को पसंद आएगा और अभी हम लोग आ गए हैं जो जहाँ पे फंक्शन था वहाँ से फंक्शन नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन था तो खाना वगैरह था हम लोग सब लोग गए थे खाना वगैरह खा के आ गए और बस आज का व्लॉग यहीं तक था और कुह सो गई है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रही हूँ कुहू सो गई है सब लोग सो गए हैं मैंने मुझे व्लॉग को एंड करना था तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ तो बस व्लॉग में यहाँ पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स एंड प्लीज़ 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 प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक एंड शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें बहुत दूर दूर तक शेयर करें आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे आएंगे तो इसीलिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स एंड आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए शुक्रिया बाय बाय थैंक यू गुड नाइट